Hello kids, good morning. How are you all? I hope you all are good. Kids, today I am going to teach you math. So kids, आज हम पढ़ेंगे math और हम math में पढ़ेंगे आज shapes. क्या पढ़ेंगे आज हम? Shapes. So kids, मैंने यहाँ shapes बनाए हैं. कितने बनाए हैं? 1, 2, 3, 4. आज मैंने यहाँ पे 4 shapes बनाए हैं. आज हम ये शेप्स के बारे में पढ़ेंगे. सो किड्स, मैंने पहला शेप बनाया है यहाँ पे सर्किल. राउंड राउंड सर्किल, जैसे मम्मा की बैंगल होती है ना, राउंड राउंड. और आप रोटी भी खाते हैं राउंड, तो वो राउंड शेप को हम क्या बोलते हैं? सर्किल. राउंड शेप में हमारा क्या होता है? सर्किल. सेकंड शेप है ट्रायंगल. क्या नाम है शेप का? ट्रायंगल. ट्राइंगल में कितनी लाइन होती है? 1, 2, 3. 3 लाइन होती हैं ट्राइंगल में. और कितने कॉर्नर होते हैं? 1, 2, 3. 3 कॉर्नर ट्राइंगल. 3 लाइन एंड 3 कॉर्नर ट्राइंगल. नेक्स्ट शेप है हमारा स्क्वायर. कौन सा शेप है बच्चों ये? स्क्वायर. स्क्वायर्स में कितनी लाइंस हैं? स्क्वायर्स में कितनी लाइन होती है? काउंट 1, 2, 3, 4. 4 लाइंस होती हैं. और सारी लाइंस हमारी कैसी होती हैं? सेम होती हैं. और कितने कॉर्नर होते हैं? 1, 2, 3, 4. 4 कॉर्नर. कौन सा शेप है हमारा ये? स्क्वायर. सर्किल राउंड राउंड सर्किल ट्राइंगल. 1, 2, 3. 3 लाइन्स ट्राइंगल. स्क्वायर 1, 2, 3, 4. 4 लाइन एंड सेम लाइन्स. चारों लाइन हमारी कैसी होती हैं? बिल्कुल बराबर होती हैं. उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर. और हमारा लास्ट शेप है रेक्टेंगल. क्या नाम है बच्चों इसका? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में भी कितनी होती हैं? 1, 2, 3, 4. 4 लाइन होती हैं. और कितने कॉर्नर होते हैं? 1, 2, 3, 4. 4 कॉर्नर होते हैं. 4 लाइन 4 कॉर्नर. पर बच्चों इसमें क्या होता है? 2 लाइन तो सेम सेम होती हैं और 2 लाइन साइड की अलग होती हैं. 2 लाइन बराबर होती हैं और ऊपर की 2 लाइन दोनों बराबर होती हैं. इसमें क्या होता है? 4 कॉर्नर है, 4 लाइन है, पर लाइन 2 लाइन सेम होती हैं, 2 लाइन सेम होती हैं. और स्क्वायर में हमारी चारों लाइन सेम होती हैं. स्क्वायर रेक्टेंगल. तो किड्स, हमारा पहला शेप था सर्किल. तो सर्किल में क्या क्या चीज होती है हमारी? देखिए, सर्किल हमारी बॉल. बॉल भी हमारी कौन सी शेप में होती है? सर्किल. तो हम इसे क्या कहते हैं? सर्किल को राउंड. राउंड भी बोलते हैं ना, राउंड राउंड सर्किल सर्किल. नेक्स्ट है अर्थ. अर्थ भी हमारी राउंड शेप में होती है ना, तो ये कौन सा शेप है हमारा? सर्किल. नेक्स्ट शेप कौन सा पढ़ा था हमने यहाँ पे? ट्रायंगल. ट्रायंगल से कौन सा क्या क्या चीजें होती हैं? कैप. बर्थडे कैप है ना, बर्थडे कैप कौन सी शेप में होती है? ट्रायंगल. और किड्स, आप सैंडविच खाते हैं ना, सैंडविच भी हमारा ट्रायंगल शेप में भी होता है ना. और आप पिज्जा भी खाते होंगे, तो पिज्जा हमारे कौन सी शेप में होता है? ट्रायंगल. कौन सा शेप होता है वो? ट्रायंगल. नेक्स्ट है स्क्वायर. तो कि आप कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, कैरम बोर्ड हमारा कौन से शेप में होता है? स्क्वायर शेप. कौन से शेप में होता है हमारा? स्क्वायर शेप. सो कि हमारा कैरम बोर्ड कौन से शेप में होता है? स्क्वायर शेप में. और चेस, बच्चे चेस भी खेलते हैं ना, चेस हमारा कौन से शेप में होता है? स्क्वायर शेप में. ये कौन सा शेप है हमारा? स्क्वायर. 4 लाइन सेम लाइन एंड 4 कॉर्नर स्क्वायर शेप. नेक्स्ट है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल शेप में क्या होता है बच्चों? आप स्कूल जाते हैं ना, स्कूल में हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, वो कौन से शेप में होता है? रेक्टेंगल. और एम्बलप. एम्बलप भी होता है ना, जिसके अंदर हम पेपर भी रखते हैं और हम पैसे भी रखते हैं एम्बलप में, तो वो हमारा कौन से शेप में होता है? वो रेक्टेंगल. सो किड्स, ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल. तो फर्स्ट शेप था हमारा सर्किल, सेकेंड ट्राइंगल, फोर्थ स्क्वायर और लास्ट हमारा है रेक्टेंगल. तो हमारे कितने शेप हैं यहाँ? 1, 2, 3, 4. थैंक यू. बाय बाय.